राम राम। हम कुंडली में पापी ग्रहों शनि राहु केतु के उपाय करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी निजी जिंदगी में ये ग्रह मौजूद हैं। वह आपकी कुंडली को बिल्कुल से फेल कर देंगे, आपको जब अपना वो असर देंगे। इसी संदर्भ में छोटे लफ्जों में एक बात, नैनीहाल गए थे भरत जी जब भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला था। मंत्रा जो कि माता कैकेयी जी की दासी थी, उन्होंने क्या किया, माता कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया कि आपके पुत्र भरत जी को जानबूझकर राजा दशरथ जी ने भेजा है नैनीहाल, ताकि वह पीछे से सारा राज्य अभिषेक करके राम जी को ये शासन दे दें, ठीक है, और इसके बाद आपकी दुर्गति होने वाली है। मतलब कि आपकी वह मर्यादा, आपकी वह प्रतिष्ठा इस महल में नहीं रह जाएगी। तो बातों में आकर माता कैकेयी राजा दशरथ जी के पास जाती हैं और उनको दो वचनों का हवाला देती हैं। तो वह दो वचन कौन थे, आप इसके बारे में रामायण जी से या हम कह सकते हैं कि गूगल सर्च करके जान सकते हैं। तो वह दो वचन राजा दशरथ जी ने दिए थे, उनके संदर्भ में कैकेयी माता भरत जी का राज्य अभिषेक मांग लेती हैं, यानी कि राम जी का राज्य अभिषेक नहीं होगा, भरत जी का होगा। और दूसरी शर्त ये रखती हैं कि आप राम जी को 14 वर्ष के वनवास में भेज देंगी। अब इसके पीछे होनी की जो होनी थी वो तो एक अलग थी, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करता। तो प्रभु की हर लीला में कोई ना कोई लीला होती है, लेकिन हमें यहां पर एक बात सीखने को ये मिलती है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, इसमें मैं मंत्रा की बात अकेली की नहीं कर रहा, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपकी सहेलियों में ऐसे लोग हैं जो आपको गलत राय देंगे। अब मान लीजिए प्रभु राम जी के संदर्भ में एक दासी ने सारा कुछ भड़का के घटनाक्रम ही पलट दिया, ठीक है ना, जो भी उन्होंने करवा दिया माता कैकेयी के बुद्धि में कि अब राज में, मतलब इस राजमहल में आपका शासन ही रहेगा, आप तो दासी बन के रहेंगी, आपको कोई पूछेगा ही नहीं, अब राम जी का शासन चलेगा और आपकी दुर्गति होने वाली है। तो राम जी के मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो हंसते हुए हर चीज पर चलते गए, उनको मालूम था ये सारी विधि है, ठीक है ना। लेकिन मतलब ऐसे लोग रहते हैं आपके इर्द गिर्द शामिल, वो कोई भी हो सकता, आपकी सेवा करने वाली सेविका हो सकती है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता, आपका फ्रेंड हो सकता, वो आपको गलत राय देते हैं और उनकी बातों में कई बार आकर आप अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वो घटनाक्रम जब घटित हुआ तो राम जी को बेवजह वनवास हो गया और भरत जी जो इतनी श्रद्धा भाव रखते थे वह मन से विचलित हो गई, तो घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद जो घटनाक्रम घटा वो बाद की बात है। और जो कैकेयी माता थी उनको भी एक लज्जा एक शर्म झेलनी पड़ी। और इन सब के पीछे जो सोच काम कर रही थी ना वह थी मंत्रा की, ठीक है ना। तो मंत्रा इतनी खतरनाक बुद्धि की स्वामिन और दासी होते हुए, वह दासी क्यों थी, वह उन्होंने ना पाला था माता कैकेयी को बचपन से, तो वह उनको अपनी बेटी समान ही मानती थी, ठीक है ना। तो बेटी समान मान के शादी के बाद कैकेयी माता जी के पिताजी ने उनको देश में ही उनके साथ भेज दिया, ठीक है ना। तो अब वो उनके साथ ही रहती थी, तो कहती बेटी मैंने तेरे को पाला है, शुरू से ही तू मेरे साथ है, मैं ये सब नहीं देख सकती। मतलब के ना ये जो शैतान बुद्धि वाले ग्रह होते हैं, मतलब के पापी ग्रह शनि राहु और केतु, ये कुंडली में नहीं मौजूद है, ये आपकी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द मौजूद है और इनकी बातों में फंसे मत। कोई भी उल्टी राय देने वाला इंसान, जो कि ये जो लोग होते हैं ना ये चापलूस होते हैं, ये कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, आप देखो मैंने आपकी बचपन से सेवा की है ना, कैसे माता कैकेयी को बोला मंत्रा ने, मैं नहीं देख सकती तुमको कष्ट में, ना 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 तुमको कष्ट आएगा, तू तो दासी बन जाएगी, जबकि इधर कोई कहानी है नहीं, ठीक है ना, ऐसी कोई। तो राम जी के बारे में उनके चरित्र को देखकर क्या हम सोच सकते हैं वो अपनी माता के साथ ऐसा करेंगे, कभी भी नहीं। लेकिन एक जहर भर दिया गया और उस जहर ने माता कैकेयी से उल्टे निर्णय करवाने शुरू कर दिए।
तो ये होते हैं शनि राहु केतु, ठीक है ना। पापी ग्रहों का प्रभाव लिए लोग चुगल गुंडे और चापलूस, ठीक है ना, आपकी चापलूसी करेंगे हर समय और आपको बताएंगे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं आपको कभी कष्ट में नहीं देख सकता, मुझे तो तकलीफ होती है, मुंह में ना शक्कर में इनका मुंह डुबो के निकाला गया होता है, इनको इतनी मीठी जुबान होती है ना, लेकिन ये गड़बड़ कर देते हैं, ये आपका बेड़ा गर्क करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इनसे बचना है, ये प्योर शनि राहु केतु हैं। तो शनि राहु केतु कोई आपके सर के ऊपर बैठ के तो आपसे बुरा करवाते नहीं, तो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द भेजते हैं, ठीक है ना, जो आपका अपनी तुच्छ बुद्धि से, चापलूस बुद्धि से अपना फायदा। अब के कई देखो दासी है तो मेरे हिसाब से वो इतनी तो समझदार होगी नहीं, तो उसको लगा अच्छा जी अब तो राजा बन जाएगा राम जी, तो मैं तो दासी, मेरा तो यहां बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेरी उतनी पूछ नहीं, उसको पड़ी अपनी होगी कि बीच में। लेकिन उसने क्या किया, माता ककई के संदर्भ में ये कहानियां बता दी कि मुझे तो आपकी चिंता है, आपका क्या होगा। उसको लगा होगा वो छोटी बुद्धि, कम पढ़ी लिखी वाली बुद्धि, ज्ञान से विहीन बुद्धि, और वह बुद्धि जो पापी ग्रहों की प्रभाव में आई हुई बुद्धि, तो उसको लगा अब तो हम गए, तो क्यों ना मैं ऐसा करवा दूं कि राम जी को राज्याभिषेक ना हो, इनका हो जाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपने उन लोगों को पहचानना है जो आपसे गलत फैसले करवाते हैं, जरूरत से ज्यादा आपकी चापलूसी करते हैं और अपनी सोच आपकी सोच पर हावी कर देते हैं, एक गलत सोच का बीज आपके दिमाग में डालते हैं और आप उस सोच यानी कि जो उसकी सोच है उस पर चलते हुए अपनी विवेक की हानि करके अपने सर से लेकर पांव तक बिड़ा कर लेते हो। पैर क्या कुल्हाड़ी पे मारना, खुद गर्दन लेके कुल्हाड़ी पे गिर पड़ते हो। तो ये हैं शनि राहु केतु के पाप प्रभाव, ऐसे फंसते हैं लोग, चापलूस लोग, चमचागिरी करने वाले लोग और जरूरत से ज्यादा मीठे लोग जो सदा तुम्हारा फैसला सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं मैं तो खुश रहे तुम, मैं तो ये चाहता हूं तेरे को कोई कष्ट ना आए। तो इन लोगों से किस तरह से आपने बचना है और इनकी बुद्धि किस तरह से शैतानी काम करती है इसके बारे में आपने सोचना है, आपको आपके उत्तर अपने आप मिलेंगे, फिर मजा आएगा ज्योतिष का, ठीक है। तो उपाय इसमें क्या है, कोई उपाय नहीं। हाँ ये कर सकते हैं कि आप कौए की सेवा कर दें, कुत्ते की सेवा कर दें, ठीक है ना, यहां पर ये भी कह सकते हैं कई बार भिखारी की सेवा कर दें, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन अपनी कुंडली किसी सुयोग्य विद्वान को दिखाने के बाद कई बार इनकी सेवा आपका बेड़ा गर्क भी कर देती है, ठीक है ना जी। तो एक विचार, एक सोच और एक पहचान इन ग्रहों के इस धरती में मौजूद होने के बाद, किस तरह से आपकी बुद्धि का बेड़ा गर्क करने के बाद आपके जीवन का बेड़ा गर्क करते हैं, इसके बारे में था ये वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग, अलग सी चीज जिसके बारे में शायद आपने आज तक सोचा या सुना नहीं होगा। तो ऐसी आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी और चेहरे आपकी आंखों के सामने घूमने शुरू हो गए होंगे। पहचानिए, इन लोगों को तिरस्कृत नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, खुद समझदार बन जाना, ठीक है ना। बस उनकी तरफ देखना क्या है, ये देखो ग्रह कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए जय माता दी।